आज की वीडियो अगर तू चाहेगा तो मैं एक वीडियो तेरे से और करूंगा, बट उसके बाद एक वीडियो में ऋतिक को पता है विषय क्या है भाई। वॉलेट नहीं भाई, मेरे यहाँ पर क्यों रह गया भाई, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो 1 to 10 कितनी फटी? बहुत फटी, 11-20 फटी भाई मेरी। Yo, what's up YouTube? Welcome back to our channel. और आज की वीडियो में है pranking time. आज करने वाले हैं हम prank, बकरा बनाने वाले हैं। किसको? हम बकरा बनाने वाले हैं दिव्यांश को, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने अप्रूवल दे दिया है कि तू अभिषेक के घर जा सकता है और तुम वीडियो शूट कर सकते हो, क्योंकि भाई रोकड़ा कमाना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आज मैं उसको प्रैंक क्या करने वाला हूँ, लाइक वो आने वाला है, मैं उसको कहने वाला हूँ कि भाई तेरा मेरा हो गया, क्योंकि भाई ने, निश्चय भाई ने मंगवाया नया कैमरा सोनी A7R3, और मैं उसको बोलने वाला हूँ कि भाई अब मैं भी इसी से शूट करने वाला हूँ, मेरे को तेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद पर्सनल शूट करूंगा, क्योंकि कोविड में मैंने सीख लिया करना, और मैं उसका रिएक्शन देखने वाला हूँ, क्योंकि भाई वो 0 से लेकर 1 मिलियन होने वाले हमारे, और मतलब पहली वीडियो उसके साथ बनाई थी और अब तक मैं वीडियो उसके साथ बना रहा हूँ, बट कोविड के चक्कर में मैंने वीडियो उसके साथ नहीं बनाई। तो मैं उसको बोलने वाला हूँ भाई मैं सीख गया हूँ, मेरे को सब समझ आ गया, मैं खुद अपनी वीडियोस हैंडल कर सकता हूँ। तो लेट्स सी क्या होने वाला है उसका रिएक्शन, बैक टू बैक 3-4 प्रैंक मैं उसके पास करने वाला हूँ, मैं देखता हूँ कैसा लगता है उसको। तो चलते हैं अपने पहले प्रैंक की तरफ, लेट्स गो ऑलराइट फैमिली। तो दिव्यांश आने वाला है, तो उससे पहले हम कर लेते हैं अपना प्रॉपर कैमरा सेटअप। वैसे उसको बिल्कुल शक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने मंगवाया 2 नए कैमरा, एक कैनन का जो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, और एक सोनी का जो मैं दिखाऊंगा कि भाई इसके बाद तेरी कोई जरूरत नहीं है मेरे को। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम अपना सेटअप, इसको मैं सेट करने वाला हूँ इस गेट के पीछे। आई रियली होप मैं उसका गंदा बकरा काटूं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं कैमरा थोड़ा जूम इन भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर क्लैरिटी मिलती रहे। लेट्स गो फैमिली। All right, तो बेल बज गई, ये होने वाला बहुत फन, लेट्स गो। बड़ी गर्मी यार, ऊपर से मास्क। ओह, एक तो इतनी मुश्किल से देखो परमिशन मिली है तेरे घर से। सच्ची में यार, कसम से इतने मुश्किल से कन्विंस किया घर वालों को। भाई ये देख, ओहो नया कैमरा। यस, पता कौन सा है? सोनी दिख रहा है। सोनी तो दिख ही रहा है, अबे सोनी में भी कौन सा है टॉपेस्ट? घर वालों ने ना लेनी देनी कर दी, 2.5 लाख का लिया भाई, वो भी कैमरा बस। सही है यार, बहुत सही है। तेरा कौन सा है? मेरा सोनी का है, लेकिन वो Alpha 3500 है, लोएस्ट मॉडल, लोएस्ट और टॉपिस्ट, लोएस्ट और टॉपिस्ट, कंपेयर कंपैरिजन नहीं बना रहे। 1000 रुपीस कैमरा वर्सेस 1 लाख रुपीस कैमरा, कंपैरिजन चलता बहुत है अपना। देखिए भाई कैमरा बड़ी ले लिया, थैंक्स, क्वालिटी देखो क्या मस्त आएगी। मेरे घर वाले कह रहे हैं कि भाई अब तूने कैमरा अपना नया ले लिया तो खुद शूटिंग करो। खुद शूटिंग करो भाई, मतलब मेरे घर वालों का ये कहना मतलब है कि भाई पहली फुर्सत में निकल, तू इतने 2.5 लाख रुपए खर्चे हैं, मतलब मैं मेन तेरे से यही बात करना चाहता था, इसलिए मैं तेरे को बुलाया था शूट के लिए, तो मैं ये बुलाया था, तू कैमरा ले आया। मेरे को मेन ये तेरे को कहना था कि भाई जो ये कैमरा है ना, अभी मैंने कैमरे पे इतने पैसे खर्च दिए हैं, तो मेरे घर वाले कह रहे तू हर वीडियो में 2-2.5 हजार रुपए लगाते दिव्यांश के लिए, ऊपर से इतनी एक्सपेंसेस होते हैं, कभी पूल ले आता है 5000 रुपए का, कभी 10000 बोले ले आता है, कभी इतने बिस्किट ले आता है, तो इतने पैसे लगेगा तो तेरे को प्रॉफिट क्या होगा, बच्चे का ही क्या कुछ भी। मैंने उनको समझाया कि भाई मैं प्रॉफिट के लिए तो नहीं करता, मेरे को एक नाम बनाना यूट्यूब पे, बट भाई फिर घर वाले तो घर वाले, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे ना। लेकिन हम तो शुरुआत से काम कर रहे हैं साथ में। हाँ मैं समझता हूँ यार, तू मेरे से 0 से लेकर अब तक रहा, पर मैं तेरे को दिव्यांश कैसे बताऊँ, मैं तेरे को ये बात समझाना चाहता था कि मतलब आज की वीडियो अगर तू चाहेगा तो मैं एक वीडियो तेरे से और करूंगा, बट सही बात, एक वीडियो में ऋतिक को पता है विषय, हमारे शूट के चक्कर में अपने कॉलेज मिस करता था, हमारे क्लासेस बंक करके मैं आता था पास, मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि क्लासेस बंक करके तेरे पास शूट करने आ रहा हूँ, और ऐसे इस टाइम पे ऐसे अपना कैमरा है तो मेरा काम हो गया खत्म यार। मैं मेरे कैमरे से करते थे, देख मैंने सोचा था मेरे को भी ऐसा बुरा लग रहा है, मेरी भी आंखों में ऐसे आंसू आ रहे हैं, बुरा लग मेरा सोच भाई, तू मेरे पास तो मैं तो तेरे शूट्स के लिए करता था, मैं तो कोविड में आ रहा हूँ, इतनी सिचुएशन में शूट करने और तू ऐसे कर रहा है यार। ये बात होनी होती, मैं आंटी से बात करूं, मैं बोल रही भाई देख मैं तो, तू उनसे बात कर लेगा, वो कहेंगे कि भाई तुमने कर दिया ठीक है, तुमने मतलब अगर तू बोलेगा कि आंटी मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के सिर्फ हेल्प करता हूँ,
मेरे घर वाले पैसों के चक्कर में नहीं कहेंगे, वो कहेंगे चल ठीक है कोई दिक्कत नहीं तू काम कर ले, बट फाइनेंशियली तो वो मेरे को ही बताएंगे ना, तेरे सामने तो नहीं बता सकते ना कि भाई उसको भी कुछ बचना चाहिए कुछ नहीं होना चाहिए। तो यार तो साफ गलत बात है, मैं शुरुआत से साथ हूं, मैं सोच रहा था कि आगे जाके मैं टीम बनूंगा, एक काम करेंगे साथ में, सब लोग इतना प्यार करते हैं भाई, लोग मेरे को भी जानते हैं, तो मैं जानता हूं तेरे को भी लोग जानते हैं, मैं समझता हूं वो चीज, पर भाई अब तेरे को अपना स्टार्टअप खुद ही करना पड़ेगा यार। ये तो साफ गलत बात है यार, मैं घर से आता हूं, मैं तेरे लिए शूट्स करने साथ दिया, पहली वीडियो मैंने तेरे घर शूट कर दी, पर एक बात बता इसका मतलब ये कोई पहले प्यार से बात कर, पहले प्यार से बात कर यार, एक बात बता, मैंने अगर तेरे साथ एक मेरी बात समझ, मैंने अगर तेरे साथ खत्म कर दिया तो मतलब तुमसे लड़ने लग जाएगा, तो भाई नेचुरल बात है ये चीज तो। अबे भाई मतलब तेरे को, तूने क्या सोचा था मैं पूरी जिंदगी तेरे को अपने पल्लू में लेके घूमूंगा, कुछ भी लिटरली, लेकिन ये बात नहीं होती यार, जो लॉजिकल बात है वो देख, लॉजिक क्या है भाई, शुरुआत से साथ तब तू ऐसे खत्म, शुरुआत से खाते शुरुआत, अबे मत दे, मत दे तो साथ दे मेरा यार, हाथ धो गई यार तेरे को, तू अपना कैमरा चाहिए ले उठाओ जाए यार, कोई दिक्कत नहीं, हाथ धो गई भाई, बात चल, वो फोन मत करियो, पहले बोलो यार भाई, सुन भाई, इधर आ, मत कर अब रखना था कैमरा पे, अरे सुन यार मेरी बात, सुन मैं तो भाई बात बता दे, अबे सुन तो ले, मैंने एक कैमरा नहीं लिया, मैंने दो कैमरे लिए, कांग्रेचुलेशन सर, अबे दो कैमरे लिया उसमें से एक कैमरा उधर देख, वहां लगा हूं जब मैं प्रैंक कर रहा हूं, तेरे को मैं निकाल सकता हूँ, अबे मेरा भाई कोई काम नहीं कुछ नहीं भाई, भाई तो टक टक कर रहा है इसका, ये देख दिस गाय इस प्रैंक, इसका बकरा कट गया भाई, बहुत गलत है, कितने देर में बहुत गलत है, मैं सोच जो चीज मैं सोच सकते थे वो कर दी मेरे साथ, थैंक यू हूं तो मैं एक्सपर्ट ही कर ले, लेकिन ये सरप्राइज था, अच्छे लगे हमें, पहले दिखा तक नहीं मेरे, चल भाई अपनी शूट शुरू करते हैं, क्या यार अब तो फेल देंगे, अरे आप पहले गए के पास अपना वॉलेट छोड़ गया, और अब मैं उससे मजे लेने वाला, मैं कहूंगा भाई वॉलेट तो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मुझे पता उसका फोन आएगा, क्योंकि ऐसा वो पहले भी कर चुका है, बट दिस इज गोना बी क्रेजी, क्योंकि मैं कहूंगा भाई यहाँ तो वॉलेट है नहीं, और वॉलेट में भाई के है कुछ 4,500 रुपए तो है ही, इतने में तो उसकी हालत टाइट हो जाएगी, वैसे भाई हमारा बड़ा कमजोर दिल का है, तो लेट्स सी, लेट्स वेट, जब उसका फोन आएगा और हम उसको प्रैंक करेंगे, लेट्स गो फैमिली। Alright, तो इसका फोन आ गया, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, हेलो हाँ भाई, अरे मेरा वॉलेट इधर रह गया, वॉलेट नहीं भाई मेरे यहाँ पर क्यों रह गया भाई, मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, अबे अभी तो मैंने पीएस के वहाँ सफाई करी है, मेरे को लाइव स्ट्रीम करनी थी ना, वहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ा, अरे तू ऐसा कर एक बार ना घर आ जा और चेक कर ले, ओके तो ही इज कमिंग एंड इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब वो आएगा तो वो ढूंढेगा, और इसकी हालत पक्का टाइट होने वाली है, मेरे को लगता है रोना दे, 4,500 के पीछे तो ये परेशान हो जाएगा, पागल हो जाएगा, लेट्स सी, अरे भाई 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 जल्दी से, मैं कहां हूं भाई, मैं खुद ढूंढ रहा हूं, मेरे को मिल ही नहीं रहा यार, मेरे पैसे लेके मिलते यार उसमें, और पता क्या मेरी खुद की आनी थी, मैं घर से मिल रहा यार, कितने पैसे थे, 4-5,000 रुपए इसके अंदर, तो मैं अगला प्रैंक, तो भाई खतरनाक प्रैंक है, भगवान मुझे माफ करे प्रैंक के लिए, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं लाया हूँ ये जोलो चिप्स,
और ये दो जो लोग सिर्फ मेरे पास हैं, और मेरे पास दो हैं नैचोस के पैकेट। ये नैचोस का पैकेट रहेगा मेरा, जिसको मैं अपने दिल के पास रखूंगा, मैं उससे शेयर नहीं करूंगा। और इस नैचोस के पैकेट को मैं देने वाला हूँ दिव्यांश को उसको खाने के लिए, और इसके अंदर मैं ऊपर ही डाल रहा हूँ दो जोलो चिप। तो आई होप वो खाए और उसके मुंह में जोलो चिप आ जाए और उसका रिएक्शन होने वाला क्रेजी इनसेन रिएक्शन। मैंने उसको बोल दिया कि भाई PS4 ऑन कर, क्योंकि हम एक गेमिंग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो जब मैं कैमरा भी सेटअप करूंगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई ये हमारे रिएक्शन के लिए। तो बहुत क्रेजी सीन होने वाला है, लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे तो टेस्टी लगेंगे, पर दिव्यांश को नहीं लगने वाले। वन टू, दो बहुत है, ये ऊपर ही पड़ी है, और भगवान दिव्यांश को बचा ले, प्लीज बचा लेना, लेट्स गो, वहां पर फिर PS1 होगी। चलो भाई, ऑल राइट, तो फाइनल रेडी है दिव्यांश मैच के लिए। चलो भाई, ओ भाई, ये मैं कैमरा लगा रहा हूँ यहाँ, ये हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो रिएक्शंस प्रॉपर आ जाएंगे। लाइ चश्मा वश्मा पहनने दे, कौन सी टीम लेगा, कौन सी लेगा, रियल मैड्रिड लूंगा, तू कौन सी लेगा, तू रियल ले रहे, तू बार्सिलोना ले ले। लोगों के सामने तू हारेगा, तेरे को अच्छा लगेगा? क्या है भाई? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा मेरा मजाक? भाई की हालत बुरी हो गई लग रहा है। भाई जो भी तो कच्चा खाया भाई, क्या हालत कर दी भाई। ओ भाई कैसा लगा मेरा मजाक? आंखों में लग रहा है यहाँ। ब्रा, ओ माय गॉड, ठीक है ना? भाई मैं ही मेरा तेरे को आज काटने के लिए। मत कर यार। अरे यार एक बार अपनी लास्ट बता दे, हाउ डज इट फील टू ईट जोलो चिप? बहुत ही गंदा भाई यार, भाई यार कुछ चाहिए? पानी दे, मीठा दे यार कुछ। ले ले भाई चीनी ले ले। भाई बहुत मिर्ची है। भाई बहुत मिर्ची है भाई, देखो यार। क्या चाहिए? मैं मोमोज के साथ भी मेयोनीज से खाता हूँ, मैं इतना स्पाइसी पसंद नहीं मेरे को। दे जल्दी भाई। क्या दू? चटनी मीठी होती है। चीनी भाई, चीनी। ओके ये ले यार, ये खा ले। कैसी लग रही है? मतलब देख भाई मैं खाता हूँ, लोग कहते थे आप कैसे खा लेते हो, अब मैं तेरे से पूछना चाहूंगा हाउ इज वेरी कैसा लगा प्रैंक नंबर 2 आपको कैसा लगा? बहुत ही गंदा मजाक से कट रहा है। सच में उसमें से यार एक मोमोस का चटनी नहीं खाता, नॉर्मल मोमोस खा ली। मेयोनीज का खाता है, वो मीठी होती है ना, क्योंकि वो मीठी होती है। और आज इसने जोलो चिप खा ली, जोलो चिप खाई ली थी वो, तो इसने थूक दी थी या खाली पूरी पैकेट में थूक दी मैंने। बट भाई उतना भी मुंह में रखना ना बहुत बड़ी बात है। मेरा जल रहा है, आंखों में जल रहा है, मेरा कैसा लग रहा है आज इतने अच्छे अच्छे प्रैंक्स के बाद और अच्छी सीख मिलने के बाद? बहुत ही घटिया प्रैंक्स, लेकिन तुमने एक चीज अच्छी बताई मेरे को, ऑफ स्टॉक्स वाली। अच्छा बाकी क्या घटिया? बाकी घटिया प्रैंक एकदम घटिया, मेरी जीभ जला दी, फिर वॉलेट खो दिया। बेटा सैनिटाइज कर, घर वाले तेरे मारेंगे। बाहर क्या कर रहा भाई? ठीक है। अबे साले ग्लास क्लीनर। टीवी दे तो मेरे को। ये ले भाई, मजाक कर रहा था भाई, मैंने कहा जाते जाते इसको कुछ प्रैंक ही कर दूं। कपड़ा दे भाई, कपड़ा दे। सही में ग्लास क्लीनर मुझे। हाय हाय, तौबा, सारा मूड खराब कर दिया तुमने, हमारा कर दिया। ये ले भाई, अच्छा सही में सैनिटाइजर ले ले। नहीं मैं नहीं दे रहा। अबे सही वाला सैनिटाइजर है यार।
आप लोग भी घर पे बैठो, आराम से बाहर मत निकलो, अभी अपने आप को सैनिटाइज करते रहो, मास्क पहन के निकलो, ग्लव्स पहन के निकलो, प्रॉपर प्रोटेक्शन लो और ऐसे ही लोगों को प्रैंक करते रहो। पर अगर सच में तेरे को मैं कह देता हूं आज तेरा काम खत्म। और अगर आपको देख रहे हो तो वीडियो हमें तो साथ करते हुए तो डू कमेंट डाउन, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गंदा गंदा।